डीसी राघव शर्मा ने आज सवां वुमेन फेडरेशन के कार्यालय तथा बढ़ेड़ा स्थित मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का निरीक्षण किया। सबसे पहले वह पुराना हुशियारपुर रोड पर सोसाइटी के कार्यालय गए और फेडरेशन के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रदान किए जा रहे लघु ऋणों के बारे में जानकारी ली। राघव शर्मा ने कहा कि स्वयं वुमेन फेडरेशन जिला में महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत भी इसी प्रकार के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जाता है तथा जिला में भी बांस के उत्पाद से लेकर ग्लेज पॉटरी तक के कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की सफलता के लिए नेतृत्व क्षमता काफी मायने रखती है और फेडरेशन ने इसे बखूबी करके दिखाया है। स्वयं वुमेन फेडरेशन के साथ जिला ऊना के 838 स्वयं सहायता समूह जुड़े हुए हैं। सोसाइटी की नेटवर्थ 12.15 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है और अब लघु ऋण के रूप में 2051 महिलाओं को 4.46 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को घर के छोटे छोटे कामों के लिए बिना किसी गारंटी के ऋण प्रदान किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2015-16 में सबसे पहले सोसाइटी के माध्यम से 8 महिलाओं को ऋण लिया था, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष में 10 जून तक 552 महिलाओं ने 1.30 करोड़ रुपए कर्ज लिया है। राघव शर्मा ने स्वयं वुमेन फेडरेशन बढ़ेड़ा स्थित मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का भी निरीक्षण किया तथा महिलाओं से उनके अनुभवों के बारे में विस्तार से चर्चा की। स्वयं वुमेन फेडरेशन का जो कार्यालय है और जो उनके प्लांट है उसका आज विजिट किया गया है। मुख्य उद्देश्य ये है कि इससे फेडरेशन से काफ़ी जो महिलाएं हैं लार्ज नंबर में जुड़ी हुई हैं और महिला सशक्तिकरण का कार्य इसके द्वारा किया जा रहा है और ये एक अच्छा मॉडल है जहां तक मैं समझ पाया हूं कि किस प्रकार से स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से माइक्रो लोनिंग के माध्यम से और छोटे छोटे लाइवलीहुड जो कृषि बागवानी से जुड़े हुए हैं उनके माध्यम से कैसे ग्रामीण इलाकों में लोगों का सशक्तिकरण किया जाए। जिला प्रशासन द्वारा जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के अंतर्गत SHGs के लिए जो स्कीम्स चलाई जा रही हैं उनको भी इन इनपुट्स के माध्यम से हम सुधारने की कोशिश करेंगे, यही इस दौरे का जो मुख्य उद्देश्य है। और मैं यहाँ पूरी टीम को जो है वो साधुवाद देता हूँ कि इन्होंने एक बहुत सक्सेसफुल मॉडल जो महिला सशक्तिकरण का है स्वयं वुमेन फेडरेशन के माध्यम से इस्टेब्लिश जिले में किया है। मेरा नाम सुभद्रा चौधरी है, मेरे ग्रुप का नाम सियाली है, मैं स्वयं वुमेन फेडरेशन जुड़ी है जिस लगभग 11,000 महिला जुड़ी है। लोग जनानियों मोटिवेट किया ग्रुपां दे विच आण दे लई, जापान का प्रोजैक्ट आया तो जापान के प्रोजैक्ट के आण दे नाल सानू अलग अलग ग्रुपां नूं ट्रेनिंग दी गई, खेतीबाड़ी के प्रति ट्रेनिंग दी गई, पशु पालन विभाग के किचन गार्डनिंग के, इस करके ग्रुपां ने महिला ने अगे आके सारे ही काम अगे किए और ग्रुपां नूं सशक्त किया। अज जे हल्दी का प्रोजैक्ट लग्या ता ये महिला की बहुत बड़ी देन है, ग्रुपां विच हल्दी उगाई गई और इस हल्दी स्वां स्पाइस भी दिती गई और अज जिहड़ी हल्दी है ये उत्तर भारत के नंबर वन हल्दी स्वयं वुमेन फेडरेशन की गिनी गई। और स्वयं वुमेन फेडरेशन एक ऐसी संस्था है उत्तर भारत के पहली संस्था है जिथे इन्ना बड़ा गठजोड़ लेडीज का है, लेडीज के सहयोग के नाल ही अज स्वयं वुमेन फेडरेशन कन्या भ्रूण हत्या पर भी कैंप लगाए गए और असी गरीब लड़कियों के परिवारों को स्कॉलरशिप दी गई 2500 के हिसाब के नाल और ग्रुपा नो मोटीवेट और जिंदा रखने के लिए असी 6 महीने के बीच कोई ना कोई उन्होंने चीज़ उपलब्ध कराते जैसे कि क्रेट तिरपाला और कंबल वगैरह, इस साढ़े जो ग्रुपा दिन जनानियां है साढ़े जुड़िया है। बाकी साढ़ा एक सोसाइटी बनी हुई है जी अजक 11 करोड़ की लागत चल रही है, उसके जनानियों को लोन लेना इतना सौखा हो गया क्योंकि जनानियों बैंकों में लोन नहीं दिता जाता क्योंकि फर्दा लगदियाँ तो लोन मिलता, लेकिन साडा जी सोसाइटी है उसके ग्रुप की ही गवाही के नाल लोन दिता जाता जिद महिला सशक्त हुई और अपने घर के जड़ी भी चीज़ उन्होंने जानी जिदा कि मकाना का रिपेयर करनी, किसी ने फ्रिज लेना, किसी ने टीवी लेना, किसी ने कुछ लेना, बच्चे की पढ़ाई वास्ते भी असं लोन दिता गया जिदे नाल
ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਜ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ 8% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਮਹਿਲਾ ਲੋਨ ਲੈਂਦੀ ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਨਾ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 35-35 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਮ ਵੂਮੈਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਆਈ।